लास्ट क्वेश्चन सर, अर्जुन म्हणजे द्रौपदीचे शिक्षक आहेत, त्यांनी विचारलेला प्रश्न आहे. अर्जुन ही जी वनस्पती आहे ती रुद्र म्हणून सांगितलेली आहे. चरकांनी मात्र रुद्र गणात वर्णन केलेली नाही. रुद्र गण आम्लरसात्मक सगळे द्रव्य त्याच्यामध्ये आलेले आहे. तर व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दॅट? आणि रुद्र कर्म आम्लरसाने कशा प्रकारे होते? पहिली बात अशी की रुद्र याने की हार्ट के लिए अच्छा है, ता एक उसका एक मीनिंग है. मन को अच्छा नहीं लगता है ना, उसको रुद्र बोलते हैं. वो सोलह रुद्र हो गया है, मन को अच्छा करने वाला है. हा? और अम्ल रस से तैयार होने की जो चीजें ना, उसमें सूक्ष्म विनूत्र कहा जाती है, स्पर्श कोश की थे लेकिन वीर्य को उष्ण है, और उसकी वजह से शरीर में सोमन से जो ऐसा परिणाम जो है वो अम्ल रस से आ जाता है, इसलिए उसको रुद्र बताया. और जनक क्या ऐसा कभी बोलते नहीं. अभी शोतंत्र गण है, उसमें दस गुण आ गए, और शोतंत्र भी जिसका पर्याय है ऐसी पुनः उन्होंने बताई नहीं. ऐसा क्यों होता है? तो उनको व्यभिचारी द्रव्य जो रहता है ना, वो पसंद नहीं करते चरण की कर. पुनः यदि एक ही दिन तक सूर्य कम कर देता है, 22वें दिन भी चलता रहा ना, तो सूर्य फिर से आना शुरू हो जाता है. पुनः कुछ नहीं कर सकते, ऐसा द्रव्य कहता नहीं. लेकिन दस गुण का ऐसा होता नहीं. दस गुण से सूर्य कम हो जाएगी देर से, लेकिन जब जाएगी तो जाएगी, फिर से आएगी. इसे तो बोल लेते वैसा ही रुद्र का है. हर एक आदमी को रुद्र ऐसा अर्जुन नहीं रहता, यानी हार्ट के लिए उसका फायदा होता है ऐसा नहीं होता. संप्राप्ति जो रहे ना, उसमें पित्त प्रधानता अगर रहे तो उसका असर ज्यादा आता है. कफ प्रधानता रहे तो भी थोड़ा सा आता है. और वात प्रधान जो बीमारियां रहती है ना, लोग देते रहते हैं रुद्र व्यास में अर्जुन, तो उसका क्षीरपात देना होता है, आणि इकडे आम्ल. रुद्र का मतलब सिर्फ हृदय के लिए काम करने वाला ऐसा है ही नहीं ना. हार्ट के प्रॉब्लम है, वहाँ अम्ल रस इस्तेमाल किया है, ऐसा शरीर के लिए किया नहीं, वाकुल जी ने भी किया. कर्तन तो वेदना रहे तो दशमुल कारण डाल के उसमें योग कर से जैसा नमक डालने के लिए योग कर देते. रुद्र रहे तो पित्त की वजह से पुराने जमाने के लोग पकड़ते हैं, पित्त की ट्रीटमेंट करते हैं कि जब मेरी प्रकाश में वो लिख दिया मुझे. तो उनका ये ऐसा कुछ नहीं है कि रुद्र यानी कि सिर्फ हार्ट के लिए काम करने वाले और वहाँ वो ही इस्तेमाल करेंगे. उसका दूसरा एक मीनिंग है, वो भी आपको मैं बताता है. अभी ध्यान में आ गया इसे कि पेट जब खराब हो जाता है, गृहणी जब बिगड़ जाती है, तो वो चक्र रहता है और उसका आरा जो है ना वो यानी रुद्र है. तो पेट की जो द्रव्य है ना, उसमें कौन सा भी अम्ल रसात्मक द्रव्य ले लो, वो ग्रहणी ग्रहणी के ऊपर काम करेगा ही. जलसी का अच्छा द्रव्य जो है वो चांगेरी ग्रहण्य अश्व विकार अग्नि कामला वाद कभी का उष्णा चिंतित कटाई से चांगेरी ख्याति की कमी ऐसा बताए. तो अम्ल द्रव्य से ग्रहणी अगर अच्छी होगी तो अपने आप हाथ के ऊपर उसका काम अच्छा हो जाता है. इसलिए अम्ल रस जो है ना वो उन्हें भी ज्यादा ही पेट भी अच्छा होना चाहिए, मन को भी अच्छा होना चाहिए और हृदय को भी होना चाहिए. सृष्ट विनोद का आ गई तो समझो आपान का वेग जो है ना वो धारण नहीं हो जाएगा, तो हृदय का और अग्नि का वन नहीं हो जाएगा. थैंक यू सर.